नमस्कार दोस्तों, ये हमारा वेस्टर्न का वीजी कूलर है जो कि कोका कोला कंपनी की तरफ से हमें दिया गया था। अभी गर्मियां चालू हो गई है तो इसका सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अभी आने वाली है वो ये समस्या है कि इसमें आप इसकी जो चाल है उसे कैसे बढ़ाएं ताकि ये ज़्यादा तेज और तेज़ी से कूलिंग कर सकें। तो इसमें मैंने भी बहुत जगह ढूंढ लिया था कि कहाँ पर इसकी जो चाल कम ज़्यादा करने के लिए बटन दिया हुआ है, लेकिन मेरे को भी बहुत टाइम तक नहीं मिला। इसमें मैं आपको आगे से लेकर पीछे तक सभी जगह बता देता हूँ। इसमें आपको कहीं पर भी बटन नहीं दिखेगा, तो आप इसकी चाल को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसकी चाल को आपको एडजस्ट करने के लिए आपको बहुत सीक्रेटली तरीके से बहुत सीक्रेट जगह पर इसका बटन दिया हुआ है। अब जैसे ही आप इस फ्रिज का जो डोर है उसे आप खोलेंगे, डोर को खोलने के बाद में आप इस प्रकार से इधर कोने में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको कूलिंग का बटन दिया हुआ है जो कि अभी हमारा छत पर फिक्स है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर जो कूलिंग के लिए फ़ैन लगा हुआ उसके जस्ट पास में ऊपर की तरफ जो हमारे चाल कम ज़्यादा करने के लिए जो बटन है वो दिया हुआ है। इसे मैं यहाँ पर आपको एडजस्ट करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी चाल को हम यहीं से एडजस्ट कर पाएंगे। आप चाहें तो इसे फुल कम करने के बाद में बंद भी कर सकते हैं। ये अभी हमने इसे 6 पर ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो बटन है वो दिया हुआ है। अभी क्या ठंडी का मौसम चल रहा था जिसकी वजह से हमको इतनी ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का मौसम भी नहीं रहता था। लेकिन अब क्या है दोस्तों, समर का मौसम चालू हो गया है, गर्मियों का मौसम आ गया है, तो कूलिंग बढ़ाने की ज़रूरत हमें पड़ती ही पड़ती है। तो इस प्रकार से आप अपने जो वीजी कूलर हैं उसे जो चाल है उसकी बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यही था आज का हमारा वीडियो। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी मदद हुई वीडियो से तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन भी ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें।